इंडिया में हिटमैन के नाम से मशहूर विस्फोटक सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन के आईपीएल वाले बयान पर करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन रोहित शर्मा को मैदान में जमते देख ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान टिम पेन और आरोन फिंच ने रोहित की एकाग्रता भंग करने की काफी कोशिश की। इस दौरान पेन ने फिंच से कहा कि राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच हमेशा ही उलझन रहती है, लेकिन अगर रोहित छक्का लगाते हैं तो मैं मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करूंगा। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की यह तरकीब भी काम नहीं आई और रोहित शर्मा ने एकाग्रता के साथ अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान लगाए रखा। टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी 443 रनों के स्कोर पर पारी घोषित की, तब रोहित शर्मा 114 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 63 रन बनाकर नाबाद रहे। लेकिन रोहित शर्मा ने तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले स्वीकार किया कि उन्होंने पेन और फिंच की बातचीत सुनी थी। रोहित ने भी जवाब देने में देरी नहीं लगाई और कहा कि अगर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान शतक जमाने में कामयाब होते हैं तो उन्हें आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खरीद लेंगे। हिटमैन ने शुक्रवार को खेल शुरू होने से पहले कहा कि मैंने उनकी बातचीत सुनी लेकिन मेरा पूरा ध्यान अपनी बल्लेबाजी पर था। हालांकि रहाणे से मेरी बातचीत हुई और मैंने कहा कि अगर पेन शतक जमाते हैं तो मैं उनकी सिफारिश अपने मुंबई इंडियंस के बॉस से करूंगा और हम उन्हें खरीद लेंगे। ऐसा लगता है कि वो मुंबई इंडियंस के फैन हैं। आपको बता दें कि रोहित शर्मा आईपीएल 2019 में मुंबई इंडियंस की कमान संभालेंगे, जबकि राजस्थान रॉयल्स का नेतृत्व अजिंक्य रहाणे करेंगे।